जलपरी की बेटी की बलि। सोना जलपरी रामा से बहुत जल्द मिलने का वादा करके अपने माता पिता के साथ अपनी दुनिया में अपने मछली रूप को त्यागने के लिए आ जाती है। लेकिन वहां अगर उसे पता चलता है कि वो अपने मछली रूप को इतनी आसानी और इतनी जल्दी नहीं त्याग सकती है, उसे अपने इस रूप को त्यागने के लिए कम से कम 9 महीने का समय लगेगा। रानी जलपरी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो रामा से वादा करके आई हूँ कि जल्दी अपने इस रूप का त्याग करके उसके पास लौट आऊंगी। अगर मैंने इतना लंबा समय लिया तो वो मेरे लिए बहुत चिंतित होगा। देखो बेटी, कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं होता, और तुम तो अपने इस मछली रूप को त्याग कर इंसानी दुनिया में जाकर एक इंसान से विवाह करना चाहती हो। सब्र रखो, ये 9 महीने बहुत जल्द बीत जाएंगे। हाँ बेटी, सब्र करो। लेकिन माँ, रामा को इस बारे में खबर ही नहीं है कि मुझे इस रूप को त्यागने के लिए 9 महीने का समय लगेगा। देखो सोना बेटी, समय तो लगेगा ही, जो हमारे नियम है उनके विरुद्ध हम नहीं जा सकते। और रही रामा की बात, तो अगर वो तुमसे सच्चा प्रेम करता होगा तो वो तुम्हारा इंतजार जरूर करेगा। उधर रामा दिन रात नदी के किनारे बैठकर सोना का इंतजार करता रहता है। नदी की ओर सोना की राह ताकते ताकते रामा की आंखें भी धुंधला गई थी। वो बस यही सोचता रहता था कि इतना समय हो गया, सोना उसके पास वापस आई क्यों नहीं। दूसरी ओर रामा को उसकी माँ और गांव वाले समझाते हैं कि हो सकता है जलपरी ने अपना मन बदल दिया हो, वो उससे शादी नहीं करना चाहती हो। बेटा रामा, मान जा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी भलाई चाहूंगी। मैं तुझे ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। पूरे 9 महीने होने को आए हैं, तू दिन रात उस जलपरी का यहाँ पर इंतजार करता है। अगर उसे आना होता तो वो कब का आ चुकी होती। वो अब नहीं आएगी। मान जा बेटा, देख मेरे साथ सारे गांव वाले तेरे लिए कितने चिंतित हैं और तुझे समझाने आए हैं। तुम कहती हो तो ठीक है माँ, मैं घर चलता हूँ। लेकिन जो तुम और सारे गांव वाले कह रहे हो कि सोना बदल गई है, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा विश्वास अटल है, सोना कभी नहीं बदल सकती। वह जरूर किसी ना किसी वजह से वहां रुक गई है, लेकिन एक दिन आएगा वह जरूर मेरे पास आएगी। रामा का सोना पर अटल विश्वास था कि वो एक ना एक दिन जरूर आएगी। उधर सोना जलपरी भी जैसे तैसे उस समय को पार करके अपने इस रूप का त्याग करके रामा के पास वापस आने के लिए बेचैन थी। वो एक एक दिन जैसे तैसे निकाल रही थी। तभी रामा के गांव से थोड़ी दूर एक औरत बेचारी अपनी छोटी बच्ची को लेकर बहुत घबराई हुई बच्ची को बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल पड़ी थी। कहाँ जा रही है? इस बच्ची को मुझे दे दे, मैं इस बच्ची की बलि चढ़ाकर सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। औरत भागती हुई नदी के किनारे आ जाती है। अब आगे उसके लिए भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल तो ठीक मेरे पीछे और मेरे आगे नदी है, मैं कैसे अपनी बच्ची को बचाऊं? अब बता कहां भागेगी? अब तो तुझे ये बच्ची मुझे देनी पड़ेगी। औरत बच्ची को चुड़ैल से बचाने के लिए बच्ची के साथ ही नदी में कूद जाती है। मूर्ख औरत, ये तूने क्या किया? वहीं आज सोना जलपरी को भी उसके मछली रूप से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि आज पूरे 9 महीने हो गए थे। सोना को जैसे ही अपने मछली रूप से मुक्ति मिलती है, वो बहुत खुश हो जाती है। माँ, बाबा, मुझे अपने जलपरी रूप से मुक्ति मिल गई। अब मैं रामा के पास वापस जा सकती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ सोना, अब तुम अपने मछली रूप से पूरी तरह मुक्त हो। अब तुम इंसानी दुनिया में जाकर इंसान से विवाह कर सकती हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी तुम मुड़कर अपनी दुनिया में आना चाहो तो अब तुम वापस नहीं आ सकती हो। रानी जलपरी, मुझे रामा के लिए सब मंजूर है। अब सोना अपने माता पिता से जाने के लिए विदा ले रही थी। वहीं दूसरी ओर उसी समय वो बच्ची पानी में गिरकर सीधा सोना की गोद में आ गिरती है। वो बच्ची आम बच्ची नहीं थी, पानी में रहकर भी जिंदा थी। दूसरी ओर उसकी माँ पानी में कूदने के कारण मर चुकी थी। माँ, ये बच्ची मेरी गोद में कहाँ से आ गई? ये तो कोई इंसानी बच्ची लग रही है, और ऐसा महसूस होता है कि इसका दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ पिताजी, कहीं भगवान ने इसे मेरे लिए तो नहीं भेजा है? सोना को उस बच्ची पर बहुत प्यार आ जाता है और वो उसे अपने सीने से लगा लेती है।
फिर अपने माता पिता से कहती है कि वो उस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो बच्ची अनाथ है। लेकिन बेटी तुम तो रामा के पास जाने वाली हो, तो फिर तुम इस बच्ची को कैसे अपना सकती हो, इस बच्ची को रामा के पास कैसे लेकर जा सकती हो? माँ, मैं इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्ची को अपने साथ रामा के पास लेकर जाऊंगी और इसे माँ का प्यार दूंगी। सोना, अगर तुम इसे माँ बनकर प्यार दोगी तो फिर तुम रामा के पास कैसे जाओगी, क्योंकि तुम यहाँ से पूरे 9 महीने के बाद जा रही हो और इस बात की सूचना रामा को बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम एक बच्ची को उसके पास पूरे 9 महीने के बाद लेकर जाओगी तो वो तुम्हें गलत समझेगा, ना ही वो इस बच्ची को अपनाएगा और ना ही तुम्हें। इस बात को समझो और इस बच्ची को छोड़ो। अगर ऐसी बात है, रामा मुझे गलत समझेगा तो ठीक है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इस मासूम को अकेला छोड़कर पाप नहीं कर सकती। अगर मैंने इसको अकेला छोड़ दिया तो ना जाने इसके साथ क्या हो जाएगा, कौन सा राक्षस इसे खा जाएगा। लेकिन बेटी, तुम जानती हो तुमने रामा के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। उसके लिए तुमने अपने रूप, अपनी दुनिया और अपने माता पिता तक को त्याग दिया है, और आज तुम इस बच्ची के लिए रामा के प्यार को छोड़ रही हो। बाबा, इस बच्ची को भगवान ने सीधा मेरी गोद में गिराया है ताकि मैं इसका सहारा बन सकूं। रामा अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो वो मुझे किसी भी हाल में मिल जाएगा। हो सकता है इस बच्ची को भेजकर भगवान मेरी कोई परीक्षा ले रहे हो। सोना बच्ची के लिए सब कुछ त्याग देती है, यहाँ तक कि रामा का प्यार भी। वो बच्ची को लेकर पृथ्वी लोक पर आ जाती है। वही रामा को पूरे 5 साल हो गए थे सोना का इंतजार करते करते, लेकिन उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी सोना के आने की। सोना रामा के गांव के ही बगल में दूसरे गांव में अपनी बच्ची के साथ छोटी सी कुटिया में इंसानी जीवन व्यतीत कर रही थी। बच्ची अब पूरे 5 साल की हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। वही सोना को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसकी बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है, वो जरूर कोई करामाती बच्ची है। इसके लिए उसके पीछे वो चुड़ैल पड़ी है जो बच्ची की बलि चढ़ाना चाहती है। हे भगवान, मेरी अनमोल को आज स्कूल से घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? सब बच्चे स्कूल से घर आ गए। भगवान, कहीं उस चुड़ैल की बुरी नजर मेरी बच्ची पर तो नहीं पड़ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोना अनमोल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। हर जगह तलाशने पर भी उसे अनमोल कहीं नहीं मिलती। जिस बच्ची के लिए मैंने सब कुछ त्यागा, कहीं वो बच्ची आज मुझसे दूर ना हो जाए। मैंने सुना है उस चुड़ैल का वास उस जंगल में है। एक बार जंगल जाकर देखती हूँ, हो ना हो वो चुड़ैल ही मेरी बच्ची ले गई है। वहीं रामा ने आज खूब मच्छी पकड़ी थी। मच्छी बेचने वो मंडी गया था। मंडी से लौटते समय उसे रात हो जाती है। वो जंगल के रास्ते लौट रहा था कि तभी अचानक उसे एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। अरे, इतनी रात को इस जंगल में किसी बच्ची की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? देखने पर पता चलता है कि एक भयंकर सी दिखने वाली चुड़ैल ने एक बच्ची को उल्टा लटकाया हुआ है और उसकी बलि चढ़ा रही है। हे राम जी, इतनी भयंकर चुड़ैल एक छोटी सी मासूम बच्ची की बलि चढ़ा रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस चुड़ैल को ऐसा नहीं करने दूंगा। सुना है चुड़ैलों की शक्ति उनकी चोटी में होती है। मैं इसकी लंबी चोटी को ही काट दूंगा, फिर देखता हूँ ये कैसे इस बच्ची की बलि चढ़ाती है। माँ, मुझे बचाओ। चुप कर लड़की, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरी बलि चढ़ा के आज मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। जैसे चुड़ैल अनमोल की गर्दन काट कर उसकी बलि चढ़ाने वाली होती है कि तभी रामा बड़ी हिम्मत करके पीछे से आकर उस चुड़ैल की चोटी पकड़ लेता है और उसकी चोटी पर मच्छी काटने वाला हथियार रख देता है। छोड़ दो इस बच्ची को, नहीं तो मैं तुम्हारी चोटी काट दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुमने अगर मेरी चोटी काट दी तो मैं मर जाऊंगी। लो 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 लो, मैं इस बच्ची को छोड़ देती हूँ। अब तुम मेरी चोटी छोड़ दो। उसी समय वहाँ पर सोना भी अनमोल को ढूंढती हुई आ पहुँचती है। नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर से कभी ना कभी मौका पाकर इस बच्ची को अपना शिकार बनाओगी, इसलिए तुम्हें छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। रामो उस हथियार से चुड़ैल की चोटी काट देता है। चोटी काटते ही चुड़ैल की चीख निकल जाती है और वो धूल बनकर हवा में उड़ जाती है। उसके बाद रामा और सोना का इतने सालों बाद आमना सामना होता है। सोना, तुम, ये तुम्हारी बच्ची है? बच्ची तो बहुत ही प्यारी है। रामा, अगर आज तुम ना होते तो चुड़ैल मेरी बच्ची की बलि चढ़ा देती। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सोना, मुझे तुमसे एक बात जाननी है। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया?
सोना रामा को सारी बात बताती है कि कैसे उसे अनमोल मिली थी और किस लिए वो रामा के पास नहीं आई। सोना, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं था? जानती हो, पूरे 5 साल हो गए हैं तुम्हें मुझसे बिछड़े हुए और मैंने तुम्हारा इंतजार करना अभी तक नहीं छोड़ा, इसी उम्मीद में कि तुम एक दिन आओगी। लेकिन तुमने मुझ पर एक बार भी भरोसा करना जरूरी नहीं समझा। क्या इतना कमजोर प्यार था हमारा? एक बार मेरे पास आती, मुझसे बात करती, क्या मैं तुम्हें समझता नहीं? रामा, मैं भी दिन रात तुम्हारी याद में तुम्हारे लिए तड़पी हूँ, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। हाँ सोना, पर अब हम कभी अलग नहीं होंगे और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बस तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों जल्द से जल्द शादी करेंगे और अब से इस बच्ची की अकेली तुम ही माँ नहीं हो, अब मैं भी इसका पिता हूँ, हम दोनों इस बच्ची को पालेंगे। रामा के मुंह से ये बात सुनकर सोना बहुत खुश हो जाती है। रामा सोना और अनमोल को अपने घर ले आता है। सारे गांव वाले और रामा की माँ सोना के लौटने पर बहुत खुश थे। इसके बाद रामा और सोना की शादी हो जाती है। दोनों एक हो जाते हैं और मिलकर अनमोल को माँ और बाप का प्यार देकर पालते हैं। बाढ़ में फंसी जलपरी को हुआ प्यार। विट्ठल गांव में लगभग सभी आदमी मछुआरे हैं। ये गांव समुद्र के किनारे बसता है। यहाँ के लोगों को हमेशा बाढ़ का डर सताता है। हे भगवान, ना जाने कहाँ रह गया ये लड़का, ऊपर से आज बारिश का मौसम बना हुआ है, कहीं बाढ़ ना आ जाए। गांव के सारे आदमी मछलियां पकड़कर आज जल्दी घर वापस आ गए थे क्योंकि आज बारिश होने की आशंका थी। रामा की माँ को गांव में अंधेरे में घूमता हुआ देख मोहन पूछता है, अरे माई, बारिश आने वाली है, तू इतने अंधेरे में गांव में काहे घूम रही है? बेटा, तुम सब घर लौट आए और मेरा रामा अभी तक घर नहीं आया, वो ना जाने कहाँ रह गया, मुझे उसकी बड़ी चिंता सता रही है, ऊपर से बारिश का भी मौसम हो रहा है, बारिश आती है तो इस समय अपने साथ बाढ़ जरूर लेकर आती है। माई, आज रामा हमारे साथ मछली पकड़ने नहीं गया था, वह दूसरी तरफ गया था, तू चिंता ना कर, घर जा, वह समझदार है, जल्दी ही लौट आएगा। हाँ, है तो वो समझदार, लेकिन अगर आज वो घर आएगा तो उसे खूब डांट लगाऊंगी देर से आने के लिए। रामा की माँ घर चली आती है। सभी लोग बाढ़ के डर से अपने अपने घरों में शाम होने से पहले चले जाते हैं और खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही थी। उधर रामा की माँ रामा के लिए बहुत चिंतित थी कि तभी थोड़ी देर में रामा घर लौट आता है। अरे माँ, देख तो आज मैं कितनी सारी मछली पकड़ कर लाया हूँ। बेटा, तेरी मछलियाँ जाए भाड़ में, मन तो करता है तुझे आज मैं 4 लगाऊं, लेकिन जवान जो हो गया है अब तुझ पर हाथ भी उठाने का मन नहीं करता। तुझे पता नहीं है घर में तेरी बूढ़ी माँ है, चिंता में होगी, सब अपने समय से घर लौट आते हैं और तू है कि इतनी देर लगा देता है। अरे माँ, तू चिंता ना किया कर, तुझे पता है ना मैं औरों जैसा नहीं हूँ, मुझे थोड़ा हटके और अलग से काम करने में मजा आता है, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद मैं समय से घर लौट सकूं। अब खुश? सभी लोग रात का खाना खाकर अपने घरों में सो जाते हैं। तभी तेज की हवाएं चलने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होने लगती है कि समुद्र का पानी बढ़ते बढ़ते गाँव तक आ जाता है। तभी रामा की नींद खुलती है और वो सोचने लगता है, गांव में समुद्र का पानी आ गया है, इसका मतलब मछलियां भी बहुत सारी गांव की ओर आ गई होंगी। इससे पहले कि पानी का बहाव ज्यादा बढ़ जाए और फिर कुछ दिनों तक मैं मछली नहीं पकड़ पाऊंगा, ऐसा करता हूँ माँ से चुपके बाहर जाकर थोड़ी सी मछली पकड़ के ले आता हूँ। रामा की माँ सो रही थी और रामा अपनी माँ से नजरे बचाते हुए मछलियाँ पकड़ने निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि गाँव में बहुत पानी भर गया है। अरे बाप रे, गाँव में पानी ही पानी हो गया, ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत खतरनाक बाढ़ आने वाली है। मैं जल्दी से जाकर थोड़ी मछली पकड़ लेता हूँ ताकि कुछ दिनों का हमारा गुजारा हो जाए। मछलियाँ पकड़ने के लिए रामा घर से थोड़ी दूर समुद्र की ओर जाता है। तभी रामा देखता है कि एक लड़की घायल अवस्था में पेड़ के तने से लटकी हुई है। वो दर्द से बहुत जोर जोर से कराह रही थी। रामा उस लड़की को देख हैरान रह गया क्योंकि वो लड़की आम इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका ऊपरी हिस्सा तो लड़की जैसा था लेकिन नीचे का हिस्सा एक मछली की पूंछ की तरह था और देखने में वो बहुत खूबसूरत थी, मानो कोई स्वर्ग से आई अप्सरा हो। रामा उसके पास आकर देखता है, वो बहुत जख्मी हालत में है।
रामा को देख वो बहुत घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं सुंदरी, अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस मैं तुम्हें ये पूछने आया हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा आधा शरीर इंसानों की तरह और आधा शरीर मछली की तरह कैसे है और तुम इतनी घायल कैसे हो गई? मैं एक सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी जल परी हूँ। आज पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके कारण मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई और एक पत्थर से जोर से टकराने के कारण मेरा पूरा शरीर घायल हो गया और इस पेड़ के तने के साथ आकर लटक गई हूँ। मैं तैर भी नहीं पा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे, मुझे अपने घर जाना है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में एक जलपरी को देख रहा हूँ। लेकिन तुम अपने घर कैसे जाओगी? तुम तो कह रही हो तुम तैर भी नहीं सकती, तुम जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तुम घर नहीं जा सकती, और अगर तुम यहाँ रही तो तुम पर किसी की नज़र पड़ सकती है, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी यकीन है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिनों तक मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम्हारे जख्मों पर मरहम पट्टी करके तुम्हें ठीक करके बिल्कुल सुरक्षित तुम्हारे घर भेज दूंगा। जलपरी को रामा की बातें सुनकर यकीन हो जाता है। रामा जलपरी को अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। जब रामा जलपरी को छूता है, जलपरी रामा में खो जाती है। रामा के छूने पर जलपरी को बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर रामा सबकी नजरों से बचाकर जलपरी को अपने घर के पीछे बनी टंकी में छोड़ देता है और उससे कहता है, हे सुंदर जलपरी, तुम चिंता ना करना, मैं समय समय पर आकर तुम्हारी मरहम पट्टी कर दिया करूँगा और तुम्हारे लिए खाना लाया करूँगा, तुम यहाँ पर आराम से रहो। वही दूसरी ओर बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। समुद्र का बहाव इतना बढ़ गया था कि आधा गांव बाढ़ में डूब गया था। लोगों के घरों की छत से पानी अंदर टपक रहा था। सभी चिंता में आ गए थे। वही दिन रात रामा जलपरी की सेवा में लगा था। उसे खाने के लिए खानों और उसके जख्मों पर हर रोज सुबह शाम मरहम पट्टी करता था। जलपरी को जब रामा अपने हाथों से मरहम पट्टी करता था तब उसे बहुत अच्छा लगता था। सुंदर जलपरी, सामने प्रकट हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। तभी जलपरी रामा के सामने प्रकट हो जाती है और उससे पूछती है, आज तुम मेरी मरहम पट्टी नहीं करोगे क्या रामा? जानते हो, जब तुम मुझे छूते हो, अपने हाथों से मरहम पट्टी करते हो और मेरे लिए खाना लेकर आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन करता है मैं तुम्हें देखती रहूं। अच्छा, वो क्यों भला? कितने भोले हो तुम रामा, दिल की बातों को भी नहीं समझते। अब बारिश और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। समुद्र का पानी इतना भर गया था कि सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, और अब तो लोगों के घरों में खाने का राशन भी खत्म हो चुका था। जानवर भी भूख से मर रहे थे। घर में जो कुछ भी बचा था आज वो भी खत्म हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि क्या होगा हमारा और गांव वालों का। अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही तो पूरा गांव समुद्र के पानी में डूब जाएगा। माँ, तुम चिंता ना करो, देखो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खाना जो बचा था उसे भी रामा जलपरी के लिए लेकर आता है। क्या हुआ रामा, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, मेरे घर में बस आज तक का ही राशन बचा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें इसके बाद क्या खिलाऊंगा। सारे गांव के लोग और जानवर भूख से मर रहे हैं, और ऊपर से समुद्र का पानी इतना बढ़ रहा है कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि सारा गांव पानी में ही डूब जाएगा। बस इतनी सी बात, तुम एक बार मुझसे बात करके तो देखते। जाओ अपने घर की रसोई में देखो, वहां पर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं पूरे गांव के लिए राशन के भंडार लगाए हैं, और तुम्हारी गौशाला में गांव के सभी जानवरों के लिए खाना रखा है। रामा भागता हुआ घर आता है और देखता है कि सच में उसकी रसोई में राशन और सब्जियों के भंडार लगे हुए थे, साथ में उसकी गौशाला में सारे गांव के जानवरों के लिए ढेर सारा खाना रखा है। रामा खुशी से पागल हो जाता है और अपनी माँ को इस बारे में बताता है। उसकी माँ भी ये देख कर बहुत खुश हो जाती है और जलपरी से मिलने आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम साक्षात किसी देवी के रूप में आई हो, नहीं तो हम सब गांव वाले भूखे मर जाते। इस तरह से रामा गांव के कुछ जवान लड़कों को घर में बुलाकर राशन के बड़े बड़े टोकरे भरकर हर घर में राशन और सब्जियां पहुंचाता है, साथ में गांव के सभी जानवरों को चारा भी देता है, जिससे सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और जलपरी के दर्शन करने आते हैं। पर बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। सुंदर जलपरी, मुझे लगता है
अब लगभग तुम्हारे जख्म भर चुके हैं, तुम ठीक हो गई हो। हाँ रामा, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना होते तो मेरे जख्म भला कैसे भरते। सुंदर जलपरी, जो तुमने मेरे और मेरे गांव वालों के लिए किया, उसका वो एहसान कैसे चुकाएंगे हम। सब दुख तुमने दूर कर दिए, बस अब चिंता है तो इस बारिश की। ये थम जाए, सभी की कच्ची छतें टपक रही हैं। बारिश थम जाएगी तो सब राहत की सांसें लेंगे और फिर सभी गांव वाले दोबारा अपने अपने काम पे जाने लगेंगे। बस इतनी सी बात? तभी जलपरी अपनी शक्ति से सभी गांव वालों के घरों की कच्ची छत से पक्की छत में बदल देती है। अब सभी के घर पक्के हो चुके थे, सभी गांव वाले बहुत खुश थे। सुंदर जलपरी, जाने क्यों, मुझे लगता है कि तुम हम सब गांव वालों की दिक्कतें दूर करने के लिए ही आई हो। रामा, जानते हो तुम, मुझे तुमसे और इस गांव से बहुत लगाव हो गया है। अब तो मुझे यही अपना घर लगता है, जी करता है बस यही रह जाऊं। इस तरह से धीरे धीरे अब बारिश भी थम गई थी, गांव में पानी का बहाव भी कम हो गया था, धूप खिलने लगी थी, सारे लोग फिर से अपने अपने काम पर लग गए थे। रामा की सेवा से जलपरी भी अब पहले जैसी स्वस्थ और ठीक हो गई थी, उसके घाव भर गए थे। सुंदर जलपरी, अब बारिश थम गई है, बाढ़ का पानी भी बहुत कम हो गया है और तुम्हारे घाव भी भर गए हैं। मुझे लगता है तुम्हारे घर जाने का समय भी आ गया है। चलो मैं तुम्हें समुद्र के किनारे तक छोड़ आऊं, वहां से तुम अपने माता पिता के पास चली जाना। रामा के मुंह से घर जाने की बात सुनकर जलपरी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। साथ ही गांव वाले भी जलपरी के जाने पर खुश नहीं थे। समुद्र के किनारे पर जलपरी के माता पिता भी उसे लेने के लिए पहुंचे थे। ना चाहते हुए भी रामा के साथ साथ सारे गांव वाले जलपरी को उसके माता पिता के साथ विदा करने के लिए आते हैं। जलपरी वापस नहीं जाना चाहती थी, वो इसी गांव को अपना घर और दुनिया समझ बैठी थी। उसे रामा से प्रेम हो गया था। जब सारे गांव वाले और रामा जलपरी को उसके माता पिता के साथ विदा करते हैं, तब सबसे अपने दिल की बात छुपाने वाला रामा दूसरी ओर मुंह फेर कर रोने लगता है। क्या हुआ पुत्री, तुम हमें मिलकर खुश नहीं हो क्या? क्या तुम्हें घर नहीं जाना? नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे रामा से प्रेम है, मैं उसी के साथ अपना सारा जीवन बिताना चाहती हूँ। सुंदर जलपरी, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अभी तक इसीलिए चुप था क्योंकि हम दोनों का मेल नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक जलपरी। नहीं रामा, मैं एक इच्छाधारी जलपरी हूँ। मैं तुम्हारे साथ इंसानी रूप में रह सकती हूँ, बस उसके लिए मुझे अपना मछली रूप त्यागना होगा। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बार हमारे साथ अपनी दुनिया में चल के अपने इस मछली रूप को त्यागना होगा, तभी तुम वापस मुड़कर इंसानी दुनिया में आकर रामा से विवाह कर सकती हो। पिता के मुंह से ये बात सुनकर जलपरी बहुत प्रसन्न हो जाती है। रामा, तुम चिंता न करना, मैं अपने माता पिता के साथ जाकर इस रूप को त्याग कर बहुत जल्द वापस लौट कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस तरह से रामा और जलपरी एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे कि वो बहुत जल्द एक हो जाएंगे। जलपरी अपने माता पिता के साथ कुछ समय के लिए जाती है। रामा जलपरी का बेसब्री से इंतजार करता है और वहीं रामा के साथ साथ उसकी माँ और पूरे गांव वाले रामा के लिए बहुत खुश थे। अपने माता पिता के साथ गई जलपरी क्या कभी वापस लौट पाएगी? क्या रामा का इंतजार खत्म हो जाएगा और वो जलपरी को वापस से पालेगा? दोस्तों, ये सब हम आपको इसके अगले भाग में दिखाएंगे। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।